हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का प्राइवेट पार्ट यानी कि जो वजाइनल एरिया है, वहां पे इतने सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलता है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करने वाले वजाइनल एरिया में होने वाले उन बदलाव के बारे में, जिससे कि आप बेबी का जेंडर ईजिली घर बैठे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों इस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव होता है जिससे कि आप ये जो बड़ी सी बातें जो जेंडर प्रेडिक्ट जिससे बातें वो घर पर नहीं पता कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वजाइनल एरिया में क्या क्या बदलाव होता है लड़का कंसीव करने से। सबसे पहला बदलाव, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज का आना। बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको आ रहा है तो ये साइन सीधा माना जाता है एक लड़का होने का। दूसरा सिम्टम, बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ का होना। वजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना, ये भी साइन माना जाता है लड़का होने का। तीसरा जो सिम्टम है दोस्तों, वजाइनल एरिया में अलग सा दर्द, अलग सा सूजन दिखाई दे। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने बेबी बॉय कंसीव कर लिया है। वजाइनल एरिया में यानी कि जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पे बच्चे का दबाव अक्सर महसूस होना, ये लड़का होने का साइन होता है। क्योंकि जो लड़के होते हैं वो नाभि के निचले वाले एरिया में पहले ही बोली हुआ को रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपको अक्सर महसूस होता है। तो दोस्तों, इन बातों से आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। यहीं पर ही नहीं दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा आपको पीला पीला पेशाब यानी कि आपका जो यूरिन का कलर है वो येलो हो रहा है, यूरिन आप येलो कर रहे हैं, बहुत पानी पी रहे, उसके बाद भी आपके साथ ये सब हो रहा है, तो ये भी एक लड़का होने का साइन है। तो दोस्तों, इससे आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो लड़का या लड़की है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक लव यू, बाय।